हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप फाइन होंगे। आज हम आपको 3D आईज स्केच की आज मैं आँख को ड्रा करने जा रहा हूँ और आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से उसको समझाऊंगा, दिखाऊंगा कैसे कौन सा पेंसिल सॉल्व करके किस तरीके से इसको ड्रा करते हैं। दोस्तों अंत तक बने रहना और इसके आगे आने वाले वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, जिससे कि आपको सभी को नोटिफिकेशन आपको आपके यूट्यूब पर मिलता रहे। गाइज आप अंत तक बने रहना। आप आँख को स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हम लोग ड्रा करते हैं आप लोग यूट्यूब पे जाकर, हमारे यूट्यूब पर जाकर देखना और स्टेप बाय स्टेप उसको हम ड्रा करेंगे, आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हम लोग आईज को ड्रा करते हैं, कौन कौन सा पेंसिल यूज करते हैं और किस तरीके से ड्रा करते हैं, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अगर गाइज हम पेंसिल को धीरे धीरे पेंसिल को शार्प करते हैं, एकदम नुकीला बना देते हैं, जैसे कि जरा सा भी मोटा न स्केच आए, एकदम पतला सा, जहाँ हमके बारकी लेना हो बारकी उसको हम स्केच कर पाएँ, इसलिए सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए ड्रॉ कर रहे हैं। ये कैमल चारकोल पेंसिल है, जो कि कैमल चारकोल की पेंसिल है। एकदम ब्लैक रहेगा। इससे मैं इसका एकदम डार्क एरिया को ड्रॉ करते हैं, जहाँ एकदम डार्क हो। लेकिन गाइज पहले इसको अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो आप 10B और 6B ना तो 4B पेंसिल नहीं चला सकते, क्योंकि वहाँ लाइट एरिया देने लगता है, चमकने लगता है और वो उस पर चल नहीं पाता है। पहले जो करना हो चारकोल, जहाँ एकदम डार्क हो वहाँ चारकोल पेंसिल का यूज कर लेना और धीरे धीरे इसको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे इसको ड्रॉ करना। जितने स्लोली स्लोली हाथ को आप बढ़ाओगे उतना ही अच्छा ये बनेगा। हम ब्लेंडिंग कर रहे हैं, ब्लेंडिंग स्टंप से ब्लेंडिंग कर रहे हैं, जो कि ये कागज़ का ब्लेंडिंग स्टंप होता है, जिससे कि हमको निशानी ना दिखे, पेंसिल का चिन्ह ना दिखे, ब्लेंडिंग कर लेते हैं। अब हम 4B पेंसिल को उसी के ऊपर हल्के हाथे ड्रा कर लिए, फिर चारकोल पेंसिल लिए। 4B पेंसिल से हम अब निचली सतह को ड्रा कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं धीरे धीरे हम 6B पेंसिल लिए, धीरे धीरे ड्रा कर रहे हैं। ये HB पेंसिल है, जो कि लाइट एरिया, ये HB पेंसिल, 4B पेंसिल। HB पेंसिल से हम हल्के हाथे करते थे लाइट एरिया को दिखाने के लिए, लाइट एरिया को दिखा रहे हैं दोस्तों। और आप जितना ही धीरे धीरे स्केच को उसके मेन पॉइंट पे, जैसे आप आउटलाइन ड्रा किए उस पर मेन पॉइंट पे करते जाओगे। यहाँ देखो हमने 4B पेंसिल लिए, फिर HB पेंसिल से करके अब ब्लेंडिंग कर रहे हैं। यहाँ क्या हो, देखिए आप, वहाँ की निशानी पूरी तरह से ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पेंसिल का कोई निशान है। इसलिए हम जो है कागज़ के बने ब्लेंडिंग स्टंप का यूज करते हैं। आप भी कर सकते हैं अपने ड्राइंग में, आप भी अपने ड्राइंग में उस कागज़ का यूज कर सकते हैं। और पंछी बाहर इतने अच्छे चहचहा रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत पंछियों की आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे। सब बढ़िया लग रहा है। अब यहाँ हम देखिए ब्लेंडिंग करेंगे ब्रश से, क्योंकि हमें हेयर ड्रा करना रहता है ना, हेयर ड्रा करना रहता है तो वहाँ हम ब्रश का ही यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ स्मूथ ज़्यादा ना दिखे, रफली दिखे, जिससे कि हमें जो है एक एक बार का डिज़ाइन ड्रा हो पाए। इसलिए मैं आज आपको सिर्फ आँख को ड्रा कर रहा हूँ, अभी हेयर को बनाना है। अगली वीडियो में हेयर आप देखेंगे, और नहीं देखे हैं तो देख लेना वीडियो में जाकर। और ईयर को ड्रॉ करेंगे, कान को ड्रॉ करेंगे, नोज ड्रा है लेकिन नोज को अभी और रियलिस्टिक बनाना है, माउथ को बनाना है। अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में सभी को मिलेगा। अब यहाँ हम आपको देखिए 4B पेंसिल लेकर, 4B पेंसिल लेकर गाइज अब हम धीरे धीरे एब्रो ब्राउनी को ड्रॉ कर रहे हैं। ब्राउनी यानी बार, एक ही बार को किस दिशा, किस डायरेक्शन में गया है उस डायरेक्शन में उसको ले जा रहे हैं। और उस डायरेक्शन में लेकर देखिए उसको सॉल्व किए एकदम नुकीला करके। अब उसी की डायरेक्शन में दोस्तों धीरे धीरे एक एक बार को ड्रॉ करेंगे, जिससे दिखने में रियलिस्टिक लगे कि हाँ बार उसी के डायरेक्शन में गया हुआ है। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इससे क्या होता है, आप अगर 4B और 8B पेंसिल लेंगे, 8B की यहाँ ज़रूरत नहीं, क्योंकि ओल्ड पर्सन है, ये ओल्ड पर्सन है, और जो कि इन पर ज़्यादा डार्क एरिया कर देना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इनको हल्के हाथे हम 4B पेंसिल का उपयोग कर रहे हैं, जो कि इसका यूज करने से
और ब्लेंडिंग करने से, ब्रश ब्लेंडिंग करने से एकदम स्मूथ दिखता है दोस्तों, बहुत ही रियलिस्टिक दिखता है। अब हम आपको देखिए यहाँ पर ब्लेंडिंग करके दिखाएंगे, ब्रश से ब्लेंडिंग करते देखिए दोस्तों, अब ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ कोई पेंसिल का निशान है। हाईलाइट एरिया को हम थोड़ा सा इरेजर का यूज कर रहे हैं, हाईलाइटर इरेजर का यूज कर रहे हैं, जो कि आपको वीडियो में नहीं दिख रहा है, पूरी वीडियो में आपको दिखेगा ज़रूर। अब हमारा यहाँ ज़रूरत पड़ गया 3B पेंसिल का, जो कि दूसरी आइज के लिए है। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लें। सो जितना ही सॉल्व किए रहेंगे दोस्तों गाइज, आप उतना ही अच्छा ड्रॉ कर पाएंगे। जितना अच्छा पेंसिल को सॉल्व करके रखेंगे दोस्तों, उतना अच्छा तरीके से आप ड्रॉ कर पाएंगे। पहली आँख को मैं बना रहा हूँ, जो पहली आँख का वीडियो नहीं अपलोड कर पाया दोस्तों, किसी कारण उस मोबाइल बंद था, और आज उसको थोड़ा बहुत मैं बना रहा हूँ, वो भी वीडियो को शूट है। आप देख पा रहे हैं ब्लेंडिंग स्टैम्प का स्टेप बाय स्टेप यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से आप लोग भी ट्राई करना दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको अगली नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आई होप कि आप अच्छे होंगे।